उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के साथ मारपीट और जानलेवा हमले के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी लखनऊ से सटे उन्नाव से सामने आया, जहां सत्ता पक्ष और जिला प्रशासन की गुंडई देखने को मिली। यहां इंडिया टीवी के कैमरामैन को सीडीओ दिव्यांशु ने सरेआम दौड़ा दौड़ा कर पीटा, तो वहीं अमर उजाला के पत्रकार को भी गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। दरअसल ब्लॉक प्रमुख के पद के लिए हो रहे मतदान के दौरान पत्रकार विकासखंड मियांगंज कवरेज करने के लिए गए थे। इस दौरान सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने इंडिया न्यूज के कैमरामैन को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष के समर्थकों ने अमर उजाला के पत्रकार राजा राजपूत को भी गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया, जिसको लेकर पत्रकार धरने पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे एसपी आनंद कुलकर्णी और जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने पत्रकारों को समझाया और सीडीओ के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। घटना को लेकर पत्रकारों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। पत्रकारों ने सीडीओ को निलंबित करने के साथ ही सत्ता पक्ष के समर्थकों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कोई नहीं जाएगा। क्या हुआ आपके संग? हम नवाब मियांगंज ब्लॉक में कवरेज करने के लिए आए थे। मतदान को लेकर एक सूचना मिली कि पीछे कुछ लोगों के साथ आपसी मारपीट करी जा रही है। वहाँ कवरेज करने गए थे तो वहाँ बच्चों से बात कर रहे थे कि यहाँ कोई झगड़ा हुआ था। कुछ बच्चे बता दे रहे थे कि यहाँ झगड़ा हुआ है, मारपीट, कुछ लोग मार भी रहे थे। फिर उस लड़के भागने लगे, तब तक सामने से दो गाड़ियाँ आई, स्कॉर्पियो थी। उनमें से एक गाड़ी उन लोगों की बाइक को चलाने का प्रयास किया, जब लोग गाड़ी नहीं साइड कर पाए तो सब लोग उतर उतरे और हम मारने पीटने लगे। दो मेरे दोनों मोबाइल मौके तोड़ दिए।